सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में राइटिंग के अलावा अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन जब भी आप बोर हो, आप अपनी हिंदी की राइटिंग करना स्टार्ट कर देना। तो लास्ट क्लास में हमने आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे और सेंटेंसेस पढ़े थे। आज हम करेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। ई का मतलब क्या होता है, आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द? नहीं, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द में क्या है, हमारा मुंह खूब बड़ा सा खुलेगा और हमें शब्दों को खींचना पड़ेगा। लेकिन मैम ने तो इसे बहुत शॉर्ट में बोल दिया ई, जैसे कि दिल, हिरन, किरण, कितनी जल्दी जल्दी हो गया ना। तो आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। चलिए जल्दी से अपनी सुलेख की बुक ओपन कर लीजिए और ओपन करिए पेज नंबर 11, ठीक है? कौन सा पेज नंबर ओपन करना है हमें? पेज नंबर 11, ई की मात्रा वाले शब्द, ई की मात्रा। तो अब पहले हम चित्र को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो पहला चित्र कौन सा है? दिल। दिल मींस हार्ट, हार्ट। दिल का मतलब क्या होता है? हार्ट। फिर दूसरा है मिल, मिल का मतलब फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में जहां पे वर्कर्स काम करते हैं। तीसरा चित्र है रवि, रवि का मतलब होता है सूरज और सूरज का मतलब रवि, यानी के सन का एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? रवि। फिर है हिरन, हिरन मींस डियर। आप लोगों ने जू में डियर देखा है और एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी में भी आते हैं एनिमल्स के बारे में, उसमें भी हम आपको, उसमें भी वो लोग डियर के बारे में बताते बताते कि नहीं बताते। नेक्स्ट इज तकिया, आप तकिए पे सर रख के सोते हो कि नहीं सोते हो? तो तकिया। एंड चिड़िया, चिड़िया मतलब बर्ड। तो अब हमने चित्रों को देख भी लिया, पढ़ भी लिया, अब हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दिल, दिल। अब मैम ने आपको बताया था दिल का मतलब क्या होता है? हार्ट, दिल। नेक्स्ट इज मिल, फिर है रवि, रवि। उसके बाद है हिरन, हिरन। फिर है तकिया, तकिया के बाद है चिड़िया, क्या है? चिड़िया। अब आता है अक्षर और मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। अभी तक हमने चित्र को देख के लिखा था, अब हमें शब्द को बनाना है। कैसे बनाना है? अक्षर दिया है और मात्रा दी है, तो उसे जोड़ के हमें क्या करना है? ऐड करके शब्द बनाना है। जैसे ईतला मतलब तिल, अगर त के ऊपर छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तिल। नेक्स्ट इज किरण, किरण यानी रे, सूरज की किरणें आती कि नहीं आती है? नेक्स्ट इज खटिया, फिर क्या है? तकिया,
नारियल। फिर है कवि। मिलन। बगिया। बिटिया। और गिरगिट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ई की मात्रा वाले शब्द। क्या हो गए ये? ई की मात्रा वाले शब्द। आपको होमवर्क में क्या करना है, इस पेज को कंप्लीट करना है और इसे रिवाइज भी करना है कि ई की मात्रा वाले शब्द कौन से होते हैं, आ की कौन से मात्रा वाले शब्द होते हैं। जब भी हिंदी क्लास में मैम आप लोग का डिक्टेशन लेंगी तो आपको इन शब्दों को भी याद करके रखना। अगर आप वो शब्द भूल गए जो आपको हिंदी क्लास में सिखाया है और इनमें से कोई याद है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और राइटिंग और इंटरेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय।